सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियंका भंडारी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से इसलिए क्योंकि सुबह जो है सुबह सुबह उठते ही जो है मौसम पूरा ख़राब हो चुका था, पूरा आसमान में बादल और बारिश भी होने लगी थी सुबह। तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर ही बारिश रहेगी करके, लेकिन बारिश तो रुक चुकी थी। तो अभी थोड़ा धूप आ रखी है बाहर पे, हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा तो नहीं है। और तो मौसम जो है खुल चुका है पूरा, मतलब कि धूप आ चुकी है तो अच्छा सा मौसम हो चुका है। इसलिए घर के जो है छोटे मोटे काम जो है हमारे वो हो चुके हैं, थोड़े बहुत और करने हैं। तो मौसम अभी साफ है, तो मौसम आप लोगों को दिखा देते हैं। और थोड़ी आप लोगों को आवाज़ जो है अभी भी अजीब आ रही होगी क्योंकि मेरी जो है सर्दी अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो थोड़ा टाइम लगता है सर्दी को ठीक होने में। तो इसलिए जो है गला भी बैठा है, इसलिए आप लोगों को आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप लोगों को पहले मौसम दिखा लेते हैं आज का। तो सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है, पूरे बादल ही बादल हो गए हैं। फिर से देखिए आसमान में पूरे बादल ही बादल, तो ये पूरी हल्की सी धूप हो गई है। ये है सुबह का मौसम 10 बजे का। और फूल देखो कितने प्यारे खिल रखे हैं हमारे, एक फूल यहाँ पे खिल रखा है और एक फूल यहाँ पे खिल रखा है, और ये फूल हमने पिछले बार में ही लगाया है। ये देखिए कितना मस्त सा लग रहा है, एकदम से बहुत ही सुंदर सा फूल है ये। ये सिर्फ बारिश के सीजन में खिलता है ये वाला फूल, बाकी सीजन में नहीं खिलता है। और ये वाले फूल जो है ये दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन सुबह शाम को फिर से खिल उठते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये वाले फूल। तो यहाँ पे मेरे बगीचे में फूलों के बीच बीच धनिया भी हो रखा है। और सामने पे है हमारा कुसमैरो का पेड़ जो कि अब पक चुके हैं, तो इनमें से थोड़े से हम कुसमैरो तोड़ लेते हैं अभी। तो थोड़े से कुसमैरो हम तोड़ते हैं यहाँ से, देखिए कितने मस्त तो रखे हैं। तो ये है कुसमैरो जो कि अब पक चुके हैं और गिरने भी लग गए हैं। तो ये देखिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं एकदम से। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ये तोड़ लिए हैं और ये हल्के हल्के पके हैं, अभी अच्छे से नहीं पक रखे हैं। तो ये जब पक जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों दोपहर के खाने खाने के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को। तो अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला था मेरे को ब्लॉगिंग करने का, मैंने कहा शाम को ही कर लेते हैं करके। तो सुबह का मौसम आप लोगों को दिखाया था मैंने, लेकिन अभी सुबह का मौसम देख के अभी कौन कहेगा कि ऐसा होगा करके, पूरा मौसम खुल चुका है और धूप पूरी आ चुकी है। तो मेरे पास है अभी ये लौकी के पौधे जो मैं लगाने जा रही हूँ खेत में। तो कहाँ पर लगाऊँ करके सोची थी पहले तो, कि पेड़ के पास लगाऊँ कि या दूसरी जगह लगाऊँ करके। तो फिर अब सोच रही हूँ कि पेड़ के पास ही लगा दूँ करके, तो मैं लगा रही हूँ अभी दाड़िम के पेड़ के पास लगाती हूँ इनको, लौकी के पेड़ जो हैं पौधे। तो ये जो है बेल बड़ी सी होगी तो थोड़े पेड़ में चले जाएंगे, उसके बाद थोड़े छत में डाल देंगे अगर हो पाए तो। तो देखते हैं कि होते हैं नहीं होते करके। तो खेत में जा रही थी तो मैं दिखाती हूँ कि खेत में मैं क्या क्या बो रखा है किचन के साइड को करके। तो चलो चलते हैं, और धूप बहुत ज़्यादा लगी है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, तो चलते हैं फटाफट से। तो मैं आ गई हूँ खेत के पास और यहाँ पे बिल्ली बैठी है हमारे घर के पास, ये देखो म्याऊं म्याऊं। तो ये पूछी बैठी है यहाँ पे, क्या कर रही है तू इधर पे, क्या कर रही है, तूने दूध नहीं पिया, आजा आजा। तो ये आराम से यहाँ पे बैठी हुई है छाया में। तो फटाफट से हम लगा देते हैं इन पौधों को। बाहर धूप देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है, और खेतों में जो है बुआई धान की पूरी हो चुकी है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत बची हुई है, बाकी पूरे खेतों में जो है धान की बुआई हो चुकी है पूरी। और आसमान में किनारे किनारे पे बादल तो बने हुए हैं, लेकिन मौसम जो है पूरा साफ है, एकदम से धूप चमक रही है।
और यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने शिमला मिर्च के पौधे, तो इनको भी गुड़ाई करनी हो रखी है क्योंकि इतने दिनों से हम गांव में थे तो यहाँ पूरा घास आस जम रखा है, तो इनको फटाफट से गोड़ देते हैं। फुल्की सी, क्योंकि बीच बीच में यह है शिमला मिर्च के पौधे और इनमें फलियां भी लगने लगी हैं, और बीच बीच में मैंने हमारे पहाड़ी भाषा में इसे चूहा बोलते हैं तो ये डाल रखा है, और साथ में है इसके साथ ही है मेथी भी डाल रखी है। तो देखिए इनमें शिमला मिर्चों में जो है फूल आने लग गए हैं, और आगे भी ऐसे ही बीच बीच में शिमला मिर्च और मेथी डाल रखी है, तो ये पूरी गुड़ाई तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्ली हमारी आराम से यहाँ पे सोई पड़ी है, इसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। देखो यहीं पे दूध रख रखा है इसके लिए और यहाँ पे आराम से सो रखी है बिल्लू। ये देखो जग भी नहीं रही है बिल्लू, इतनी गहरी नींद में सो रखी है। तो इसको सोने देते हैं और हम चलते हैं दूसरे खेत की ओर। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे खेत की ओर, यानी कि आगे वाली साइड में। तो यहाँ पे भी शिमला मिर्च में फलियाँ लगने लग गई हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, तो इनमें भी फटाफट से गुड़ाई करते हैं। तो थोड़ी शिमला मिर्च और थोड़े बैंगन लगा रखे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा घास हो रखा है इनमें, तो इसको भी फटाफट से निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और तो बच्चों का यहाँ पर चल रहा है काम, तो क्या काम चल रहा है वो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है इसका क्या काम हो रखा है ये? मैं अपने स्कूल का काम कर रहा हूँ। कौन सा स्कूल का काम है ये? कि वेस्ट मटेरियल से कोई चीज बनानी है। अच्छा, तो क्या बना रहे हो? मैं कोई वो चांद तारे जो वेस्ट पुराने काटी के साथ होते हैं, शादी के कार्ड। हाँ, हाँ, उनसे ना। हाँ, उनको ऐसे बना के चिपका के उनसे तारे सितारे बना रहा हूँ। अच्छा, चांद सितारे वेस्ट मटेरियल मतलब। हाँ, तो पुराने ये हो गए हैं। हाँ, ये क्या है? शादी कार्ड है ना? हाँ, इसको मैं चिपका के बनाया रखा है। अच्छा, जिसकी ये, जैसे ये येलो साइड है, दो काड़ी के साथ चिपका रखे हैं जिनमें ऐसे प्लेन साइड है जिसमें कुछ नहीं लिख रखा है, इसके अंदर लिखा हुआ साइड है, उन दोनों को चिपका दिया। अच्छा, तो ये क्या बना रखा है दिखाओ? ये चांद है, चांद है, इसकी कटिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? मैं ड्राइंग। क्या क्या ड्राइंग की है थोड़ा दिखाओ। ये क्या है? ये हमारे सुरक्षा का इंसान है। अच्छा, हमारी सुरक्षा करते है। कौन? ये इंसान। इंसान आगे भी बना रखे हैं कुछ दिखाओ। ये अच्छा, इसके यहाँ पे इस साइड को खोलो, कुछ बना रखा है तो दिखाओ। ये क्या है? ये भी वही वैसा ही इंसान है, इसका नाम गोकू। और आगे को ये, हाँ ये तो मस्त बना रखा है। ये क्या है? ये एक इंसान जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे एक लड़की है वो भी जा रही है। अच्छा, और ये क्या है? कांशीन कुंडल। अच्छा, आगे बहुत सारे कांशीन कुंडल। वाह, ये तो मस्त लग रहे हैं, है ना? ये 3D ड्राइंग थी, बनी नहीं रही थी। अच्छा, और आगे ये कमल। कमल, और ये ताजमहल। ये ताजमहल और नहीं है? और नहीं है, तो ठीक एक है। एक और बचा, एक और, और दिखाओ। ये बना रखा है ना सबसे मस्त, तो है ना? दो बना रखे, दो बना रखे हैं। इनको क्या कहते हैं? पिकाचू। पिकाचू, एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ, ये मस्त ऐसे पोकेमोन कार्ड में मिलते हैं। हाँ, चलो फिर तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है? बनाओ अपना अपना। बन वाह, ये मस्त सा चांद बना दिया ना। चलो फिर, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों की तो चल रहा है अपना काम,
क्राफ्ट चल रहा है तो हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो शाम हो चुकी है और सब्जी बनाने की तैयारी। सब्जी में बन रही है कद्दू, जो कि हमारे खेतों में लगे हैं। पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे खेतों में जो है बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं, तो मैं अभी तोड़ के लेके आई हूँ उनको, कद्दू को। तो इसको बनाते हैं आज सब्जी में। शाम की सब्जी आज कद्दू की ही रहेगी। तो अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।